guys, you are welcome to my channel SL Teaching. Hi guys, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको लहसुन यानी कि गार्लिक के कुछ फ़ायदे के बारे में बताऊँगा, ठीक है guys? तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गार्लिक के एलिमेंट्स मतलब गार्लिक के अंदर क्या क्या है ये सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला है गार्लिक के अंदर क्या क्या है। तो गार्लिक के अंदर आपका अलिन है, अजीन है, आलेल प्रपी है, अमीनो एसिड है, बहुत सारा एंजाइम्स है, सेलिनियम है और सल्फर है। तो गाइस ये सब कुछ थे एलिमेंट मतलब गार्लिक के अंदर ये सब चीज़ें थे। तो अब हम जानेंगे गार्लिक हमें क्या मदद करती है, कौन से डिजीज से दूर करने में हमें अच्छा करने में उस डिजीज से हेल्प करता है। तो गाइस चलिए समझते हैं। तो गाइस अगर आप एक बीपी पेशेंट है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आपका बनता है तो आप 3-4 कली हर रोज़ खाइए, मतलब 3-4 कली लहसुन के आप खाइए, हर रोज़ 3-4 कली खाइए। अगर आप डेली 3-4 लहसुन की कलियां खाएंगे तो आपका जो बीपी हाई ब्लड प्रेशर का जो बीमारी है आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं एक टीचर हूँ, तो आप भी डॉक्टर को जाकर पूछ सकते हैं और इसके कुछ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन भी आप खा सकते हैं। अगर आप डेली 3-4 कली के लहसुन मतलब 3-4 कली लहसुन के अगर खाते हैं डेली तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये कलीस को आप क्या करेंगे, सुबह खाली पेट में यानी कि कुछ नहीं खा के आपको ये कली 3-4 कली आपको खानी है, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और आप ठीक हो सकते हैं। तो ये वाली ट्रीटमेंट को आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ कि नहीं। लहसुन जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ होती है। अगर हम लहसुन को खाएं तो ये हमें बहुत सारी फ़ायदे देती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ जैसे रोग और हमारे टीवी जैसे रोग और हमारे कोल्ड फीवर ये सब को ठीक करने के लिए भी मदद करती है। और एक बात आप जानते हैं, लहसुन हमें क्या पता करने में मदद करती है, और आप लहसुन से एक और चीज़ भी पता कर सकते हैं। क्या है वो चीज़ आइए जानते हैं। आप अगर प्रेग्नेंट महिला हैं तो लहसुन से आप पता कर सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी होने वाली है। कैसे पता लगाया जाए मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसे पता लगाया जाए, तो मैं आपको बता दूंगा, एक सेपरेटली वीडियो बना के बता दूंगा। और एक बात गाइस, बेटा हो या बेटी पता लगने के बाद आप उसको नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। आज जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। और भ्रूण हत्या मत कीजिए, और भ्रूण हत्या मत कीजिए क्योंकि ये एक कानूनी अपराध है। और सभी बेटा हो या बेटी सब कुछ अब समान है। आप लहसुन खा के पता लगाइए कि आपका लड़का या लड़की होने वाली है, और जान के ये बात उसी से ही खुश रहिए। बेटा हो या बेटी सभी में आप समान भाव रखिए, कोई भी भेदभाव मत कीजिए उन दोनों में। आजकल बेटा जो कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आप सबसे पहले हमारी इसी तरह की वीडियो पे आना चाहते हैं तो हिट कर दीजिए बेल आइकन को भी। और अगर आपको इसी तरह के कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे SL Teaching के साथ। जय हिंद जय भारत।